बड़ी खबर नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, झमाझम हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा में मौसम काफी सुहाना हो गया है, झमाझम बारिश हुई है। तो नोएडा में आज झमाझम बारिश हुई है, हालांकि बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो नोएडा में मौसम का मिजाज बदला है, मौसम काफी सुहाना हो गया है, झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और झमाझम बारिश होने के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की भी समस्या देखने को मिली। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, मौसम आज नोएडा का काफी ज्यादा सुहाना हो गया, लेकिन कई जगहों पर हर बार की तरह ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, नोएडा की बात की जाए तो बीती रात से रुक रुक कर बारिश नोएडा के अंदर हो रही थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो काफी झमाझम बारिश जो है नोएडा के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। इस बारिश के बाद जहां लोगों ने गर्मी से राहत ली है, वहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, स्टेडियम चौराहे पर मौजूद है, यहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं ये आपको जाम में फंसी हुई दिखाई देंगी। दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। और जाम लगने के पीछे की अगर वजह की रेड लाइटों पर लगाया गया है जहां पर पुलिसकर्मियों को ऐसी तमाम रेड लाइटों पर लगाया गया है जहां पर बंद कर दिया है, क्योंकि शाम का वक्त है, सभी लोग अपने ऑफिस से अपने घर के लिए। इस समय में वाहनों की जो संख्या है सड़कों पर वो अच्छी आती है, तो तमाम आपको गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही होंगी जो जाम में फंसी हुई हैं। और इसी तरीके के हालात अगर दिल्ली डीएनडी से होते हुए नोएडा में आएंगे, वहां भी पूरा जाम लगा हुआ है, नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी जाम लगा हुआ है, तो सेक्टर 104 की रेड लाइट है वहां पर भी इसी तरीके के जाम होने की जानकारी है। बारिश होते हुए तकरीबन आधे घंटे के आसपास का वक्त हुआ है, अब जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा तो कई ऐसे इलाके हैं नोएडा के जहां पर जाम की स्थिति बनेगी, तो जल भराव के चलते जाम की जो स्थिति है वो और ज्यादा बनेगी। और ज्यादातर फ्लाईओवर, फिल्म सिटी फ्लाईओवर की बात करें या चौथा मामाया फ्लाईओवर के नीचे तमाम जो दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए अपनी बाइक को लेकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, लिहाजा जो पीछे से आने वाला ट्रैफिक है वो स्लो हो जाता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का, डीसीपी ट्रैफिक का ये कहना है कि तमाम जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है, लेकिन जो जाम है वो लोगों के लिए एक मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। और नोएडा के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जाम की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। फिलहाल बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन बारिश से मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है धीरे। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया, लेकिन कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो झमाझम बारिश हुई है नोएडा की कई इलाकों में, जिसकी वजह से लोगों को इस बारिश की वजह से राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है और मौसम काफी सुहाना हो गया है।